गाइस वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो, माय नेम इज शिवानी। तो आज का मंडे नाइट रॉ स्टार्टिंग से ही काफी धमाकेदार रहा। शोलो शिक्वा बंदर एक बार फिर से रोमन न्यूज को वार्निंग दे चुके हैं और जैको फाटू का हमें सिंगल मैच भी देखने को मिलने वाला है। और सैमी शेन और दियोसस के बीच भी सर्वाइवर सीरीज को लेकर बहुत सारी बातचीत हुई है। क्या कुछ हुआ, चलो मैं आपको एक एक करके बता दे रही हूं। उससे पहले गाइस आप लोग बस एक काम करो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो आज का जब मंडे नाइट रॉ स्टार्ट हुआ था ना, तो सबसे पहले हमें गुंथर देखते हैं। गुंथर से ही स्टार्ट हुआ था आज का। गुंथर आए थे तो सर्वाइवर सीरीज के बारे में बोल रहे थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तभी देखने को मिलता है कि डायमन प्रिंस इंटरफेयर कर देते हैं। और जब डायमन प्रिंस आए थे ना, वो खुद ही बोलते हैं मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था बट मजबूरी में आना पड़ा। और फिर इन दोनों के बीच फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। गुंथर डायमन प्रिंस को धो देते हैं वहाँ पे। और लास्ट में ऐसा भी मूवमेंट देखने को मिलता है जब डायमन प्रिंस गुंथर को पीट देते हैं, उसके बाद उनका चैंपियनशिप हाथ में ले लिए थे। और मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत जल्द ही डायमन प्रिंस के पास चैंपियनशिप आने वाला है। और आगे हमें शो में ये भी देखने को मिला कि शेमस ने अटैक किया था लुडविक काइजर के ऊपर पीछे से आकर। यार अभी इनका भी शोर लाइन काफी ज्यादा चल रहा है, काफी डेंजरस टाइप का फाइट था शेमस और लुडविक काइजर का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हमें दियोसस और सैमी शेन का एक इंटरव्यू देखने को मिला था, जहाँ पे सैमी शेन ये बोलते हुए नजर आए कि मुझे तो डाउट हो रहा है कहीं सीएम पंक हमें धोखा तो नहीं दे देंगे। और सैमी शेन ये भी बोले कि जब नेक्स्ट स्मैकडाउन होगा ना, तब सीएम पंक और रोमन रेंस एक साथ बैठ के बात भी करने वाले हैं। और इनके बीच एक कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं सीएम पंक हमें धोखा तो नहीं देंगे ना। तभी जिमी ओशो बोलते हैं कि अरे नहीं देंगे धोखा, क्योंकि पॉल हेमन उन्हें लेकर आए। और ये लोग बस पॉल हेमन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि पॉल हेमन कभी भी उन्हें धोखा नहीं देंगे। और गाइस फाइनली आप देखना, हमें एक सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है जैको फाटू का, जहाँ पे जैको फाटू वर्सेस जय ओशो का एक मैच देखने को मिलेगा। और ये फर्स्ट टाइम होगा जहाँ पे जैको फाटू फाइट करने वाले। गाइस मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, देखती हूँ उन्हें जय ओशो कैसे हराते हैं। आगे बात करते हैं, हमें शोलो शिक्वा का एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहाँ पे वो रोमन रेंस और उनकी टीम को धमकी देते हुए दिखाई दिए। और तो शोलो शिक्वा बंदर ये भी बोलता है टेनी कोश मैं ही ये वॉर गेम का मैच जीतने वाला हूँ। बट गाइस मुझे नहीं लगता है कि ये बंदर जीतेगा, क्योंकि मुझे पता है ना ये शोलो शिक्वा बंदर कुछ कर नहीं सकता, बस बोलना ही आता है इनको। आगे बात करते हैं, विमेंस डिवीजन में काफी डेंजरस मैच देखने को मिला था बियांका ब्लेयर वर्सेस नाया चेक्स के बीच। और गाइस बियांका ब्लेयर तो आज के मैच में रिकॉर्ड भी बनाई है, क्योंकि 24 मैच जीत चुकी है अभी तक। 2024 में इनसे ज्यादा कोई भी मैच नहीं जीता है WWE में। और बियांका ब्लेयर नया जिसको हराई ना, तो वो अपना एक एडवांटेज सिक्योर कर ली, उनको कोई एडवांटेज मिलने वाला है वॉर गेम मैच में। यार अच्छा है, ये मोटी हारती है ना, मुझे काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हर बार वो अपने वेट से ही जीत पाती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एडम पियर्स ने एक और मैच को ऑफिशियल कर दिया है, यानी कि हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमस वर्सेस लुडविक काइजर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मैं आपको बताई ना सैमी शेन ये स्टेटमेंट दिया है कि रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों एक साथ बैठेंगे और बात करेंगे सैटरडे को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, गाइस आप लोग ये पोस्टर देख सकते हो, फाइनली ये पोस्टर भी एडवर्टाइज हो गया। तो डेफिनेटली हमें जैको फाटू का एक सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है, और मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस मैच को लेकर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मैं आपको बोली ना बियांका ब्लेयर ने नाया जेक्स को हरा दिया, पता है, बट उसमें बेली ने भी उनका साथ दिया था। शायद बेली नहीं आती तो बियांका ब्लेयर शायद नहीं जीत पाती, नाया जेक्स ही जीत जाती। आगे बात करते हैं, बहुत जल्द ही जजमेंट डे टूटने वाला है, क्योंकि इनके बीच बहुत ज्यादा अभी बहस होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको मंडे नाइट रॉ कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।